नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां शियाना थाना क्षेत्र के पकरी पुल सदाफल प्लाजा में संचालित एकुमैन लीजिंग एंड इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी कर प्रॉपर्टी के नाम पर आम जनमानस से करोड़ों की ठगी के साथ मामले में अभी भी बड़ी संख्या में पीड़ितों की FIR दर्ज नहीं हो रही है। इसी क्रम में आज लगभग 2 दर्जन पीड़ितों ने आशियाना थाने का घेराव कर पुलिस कमिश्नर को संबोधित थाने में ज्ञापन दिया है। पीड़ितों ने बताया है कि आशियाना थाना क्षेत्र पकड़ी पुल सदाफल प्लाजा शॉप नंबर 3 सेक्टर आई में बीते दिनों एकुमेन लीजिंग एंड इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विजयकांत तिवारी उर्फ विजय कुमार तिवारी द्वारा जनमानस को लखनऊ शहर में सुनहरे विकसित आशियाना देने का आकर्षक प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। पीड़ितों को न तो जमीन मिली और न ही उनकी गाढ़ी कमाई कंपनी ने वापस की। इस प्रकरण में विजय कुमार समेत उनके सहयोगी अनोज मेहरत्रा, साथ ही साथ शुभेंदु सरकार, इंद्र प्रकाश पांडे, अकाउंटेंट नवतेज सिंह पाल के खिलाफ लखनऊ के आशियाना, कृष्णा नगर समेत अन्य थाने में अभियोग भी पंजीकृत है और वर्तमान में 3 आरोपी लखनऊ जेल में भी बंद है। पीड़ितों ने फिलहाल मांग की है कि कोटा लेकर मुख्य आरोपी विजयकांत तिवारी के अन्य साथी जो भी जेल के बाहर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के धारा लागू की जाए, गैंगस्टर ने निरुद्ध किया जाए, यानी कि गैंगस्टर में पूरी तरीके से निरुद्ध कर दिया जाए। आशियाना थाने से आए पीड़ितों ने कहा कि इस प्रकरण में जांच का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा लोगों की FIR नहीं लिखी जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के शिकार पीड़ितों ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से अपना मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आशियाना थाने में आए, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे सर हम लोग आए हैं कि यहाँ एक कंपनी 2013-14 में खुली थी, जिसमें कि जो है EMI पे प्लाट अलग अलग नाम से देने का वादा किया था कंपनी ने। एकुमेन लीजिंग एंड इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिनके डायरेक्टर विजय कुमार और विजयकांत तिवारी 3-4 नामों से उनका जो है नाम है। और उन्होंने आज 4 साल या 10 साल बीतने जा रहे हैं कि ना तो किसी को प्लाट दिया है, और जो प्लाट दे भी रहे हैं वो गलत तरीके से दे रहे हैं, और जो पैसा इन्वेस्टरों से कम 500 करोड़ से ऊपर लिया था वो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन खरीदी, जबकि वो ज़मीन कंपनी के नाम खरीदनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने पैसे का घोटाला किया, पैसे को डाइवर्ट किया, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इसकी तहरीर हम लोगों ने जो है मुख्यमंत्री को भी दी है, ACP क्राइम को दी है, DCP क्राइम को दी है, DM को दी है, ADM को दी है, इवन रेरा को भी लिखा गया है। और अब हम लोगों ने इसकी शिकायत जो है ED को भी कर दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा के और इसकी सारी संपत्ति को कुर्क करके इन्वेस्टरों का जो है पैसा और प्लाट दिया जाए। हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध है कि इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाए और पूरी ज़मीन अपने कब्जे में लेके कमेटी बना के न्याय का इन्वेस्टरों के साथ न्याय किया जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय SK जोशी है, मैं रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर फाइनेंस हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से। कितने स्क्वायर फीट की जमीन आपने वहाँ पे ली थी? 1800 स्क्वायर फीट की साईं बिहार में ज़मीन ली थी, और जिसमें इसने 3 खसरे डाल के मेरी रजिस्ट्री कर दी, जो कि अब दाखिल खारिज भी नहीं हो रही है और वो खारिज हो गई है। क्या रजिस्ट्री फर्जी तरीके से की गई? हाँ, फर्जी तरीके से की गई वो। और कितना इन्वेस्ट किया आपने? जी, 8.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और वहाँ पे आज की डेट में भी मैंने वीडियो बना के संलग्न किया है, वो खेत के खेत पड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कोई वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, और उसमें से आधी जमीन जो इसने अपने रिश्तेदारों के नाम खरीदी थी वो उठा के किसी वेयर हाउस वाले को बेच दी है। वहाँ पे वेयर हाउस बन गए हैं नीवा गाँव में, जहाँ पे इनकी जमीनें थी। यहाँ थाने में आए हैं, क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? अब इन्होंने आश्वासन तो दिया है कि 10 लोगों की और FIR पड़ी हुई है, उसके ऊपर DCP ACP का मार्क भी है, उन्होंने फॉरवर्ड करके भेजी है, लेकिन अभी तक कोई विवेचना अधिकारी ने उस पर रिपोर्ट लगा के FIR को अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई है। हमसे अनुरोध है कि उसको विवेचना करके जल्द से जल्द रिपोर्ट लगा के गिरफ्तारी की जाए और आगे कोर्ट में न्यायालय में भेजा जाए। क्या समस्या है इनके
साथ साथ उन्होंने मेरे बेटे को भी धोखा दिया है। कौन? विजय कुमार, विजय कांत तिवारी ने मेरे बेटे को धोखा दिया, उसको मार दिया जान। वो तो कंपनी का डायरेक्टर था। हाँ, वो डायरेक्टर था, उसने उसको मेरे बेटे को धोखा दिया, उसको मार दिया है, उसका जिम्मेदार विजय है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा इनके चक्रों में मेरा बेटा भी चला गया। जब भैया ने एक्शन लेना चाहा, इनके खिलाफ बोला तुम ये गलत कर रहे हो, तो उनको मरवा दिया गया। तो हमने यहाँ पे पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1.5 साल हो गए हम धक्के खा रहे हैं। माता जी ये कभी बेहोश हो जाते हैं, इनके साथ जाना पड़ता है हमें। तो हमारी CBI जांच चल रही थी, सही जांच कर रहे थे, CBI जांच चल रही थी, वहाँ पे बताइए उनका सस्पेंड करवा दिया गया। ब्रिजेश कुमार जी हमारा केस लड़ रहे थे, उन्होंने जांच की, उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद चार दिन बाद उनकी बदली करवा दी गई। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम योगी जी से हाथ जोड़ के यही बेनती कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए, कुमार जी को वापस के कब बुलाया जाए। वो सही जांच कर रहे थे, उनकी बदली करवा दी गई। आपका परिचय भैया? सर मैं मनीष कुमार हूँ। मैंने 2014 में इनसे बुकिंग कराई थी, 2 प्लाट थे हमारे जो कि साई बिहार में थे। मैंने 9 लाख रुपए अभी तक दे दिया। 2019 में इनसे बात करी कि भैया मेरी जमीन कहाँ है, इन्होंने रजिस्ट्री कराई, ब्लॉक नंबर गलत डाल दिया। फिर इन्होंने 2022 में कब्जा दिया जिसमें खसरा नंबर 3 दिन डाल रखा है। मैं वहाँ कुछ बनाने जाता हूँ, वहाँ के किसान मुझे बना देते कि जमीन ये आपकी नहीं है। अभी भी सर हमारी रजिस्ट्री का कोई भी मजबूत कागज नहीं दिया। एक रजिस्ट्री ऑलरेडी इन्होंने कराई है, वो फर्जी निकल गई है, उसका पॉकेट नंबर दूसरा दिया गया। लगभग 9 लाख रुपए दे के आज मैं दौड़भाग कर रहा हूँ और कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और जब इसके जाता हूँ कहता हो जाएगा, और डर बिल्कुल नहीं है। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि इतना प्रेशर बने कि इसको अपने गलती का एहसास हो, जो मेरा पैसा है वो दिया जाए। एक हमारे दूसरे पार्टनर इसमें थे जो कंपनी के थे, सलूजा जी, वो थोड़ा मदद भी कर रहे थे, लेकिन उनको मरवा दिया गया। बल्कि उनका जो उनकी फैमिली ने मर्डर का आरोप लगाया गया। ये इनकी मदर है, इनका साफ साफ कहना है कि उनको मरवाया गया है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि जितने लोगों का पैसा फंसा है 6 साइडों में, साई ग्रीन, साई विहार, साई सिटी, साई कुटुम, साई सरसा, उन सबका लोगों को पैसा दे या जमीन दे। सरकार से ये है कि उनको तो पैसा दे के हमें पैसा या जमीन दे, जिसको हम लोग बकायदा बनवा लें। परिचय दें जी। हमारे उड़न प्रताप सिंह एडवोकेट जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस कंपनी ने जो है किसी को सही प्लाट नहीं दिया। ये तो पहली बार दिया नहीं, पैसे ले लिए, और जो दिया भी तो उसमें तरह तरह की गड़बड़ी करी गई। एक में 4-4 खसरे डाल दिए गए, और यही रजिस्ट्री कराने वाले और यही कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री करी गई। सब मिली विजय कुमार तिवारी उर्फ विजय कांत तिवारी उर्फ विजय कुमार की मिली भगत से ये सब कंपनी में झबला करते रहे। और जो कंपनी में पैसा आया वो कंपनी के नाम ना जमीन खरीद के अपने रिश्तेदारों, साले, ससुर भाई के नाम लेते रहे, और विजय कुमार अपने ससुर के नाम का इस्तेमाल करके गलत आधार बनवा लिए, और हर तरीके से फर्जीवाड़ा करके जो है इस समय जेल में निरुद्ध हैं, लेकिन किसी तरीके से जमानत में बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हम लोगों ने 15 लोगों ने FIR DCP से मार करा के दी है। अभी बंगला बाजार चौकी में वो पड़ी हुई एप्लीकेशन, हम लोगों का मुकदमा पंजीकृत किया जाए ताकि हम लोग लीगली आगे प्रोसीड कर सकें। मैं रविंदर सिंह सरूजा का छोटा भाई राजा सरूजा अपना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने आशियाना थाने में आज से करीबन 2 साल पहले एक मुकदमा लिखाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 3.25 करोड़ रुपए का विजय कांत तिवारी उर्फ विजय कुमार ने काफ़ी धोखाधड़ी के साथ में विजय के साथ में रविंदर सिंह के साथ में धोखाधड़ी करी है। बाकी इन्होंने विजय कांत तिवारी उर्फ विजय कुमार जिनके फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है, 3 नाम है और 3 इनके पास आधार कार्ड है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। और विजय कुमार ने रविंदर सिंह सरूजा को जान से मारने की धमकी दी है, उसका वीडियो मेरे पास लाइव फ़ोन में अवेलेबल है। और विजय कुमार ने काफ़ी ज़मीनें कंपनी के नाम ना खरीद करके अपने रिश्तेदारों के नाम, ओम प्रकाश और भी काफ़ी लोग हैं जिनका नाम मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑन पेपर, उन्होंने उस पेपर में उनके नाम पर ज़मीनें खरीदी। और मेरे भाई ने जब इस पर अप्रोच किया तो उन्होंने इनका मर्डर करवा दिया। लखनऊ से CNews संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए CNews भारत।